Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं, तुझे क्या हुआ? वासी, हमारी जिंदगी भी कैसी जिंदगी है? क्यों? अब क्या हुआ? नहीं, चंगी भली तो है, माड़ी में तख्ते सुल्तान में अच्छी भली तो गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। नहीं मासी, तू मेरी गल समझी नहीं। हाँ हाय, अल्लाह दी शान, नहीं ये दिन भी देखने थे, तू जैसी जाहिल दो फिट्टे की लड़की, मैं तेरी बात नहीं समझूंगी। नहीं मासी, पहले पूरी गल सुन लिया कर, फिर अपनी तोप चलाया कर। जब देखो लगती है, नहीं अपनी जबान को रस्सा पा के रख, एक झापड़ मारूंगी ना सारे दंत टूट जाएंगे। नहीं मासी, तू तो हर बात जाती दुश्मनी पे ले आती है, इससे तो बात ही करना फजूल है। अच्छा तो डायरेक्ट बात किया करना, इधर उधर घुमा फिरा कर क्यों बोलती है? चल बोल क्या बात है। वो मैं कह रही थी कि हम लोग पैदा नौकर हुए, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते ही मर जाएंगे। अब तू अपनी मिसाल ही ले ले, बचपन गया, जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, अभी भी नौकरानी है ना, तरक्की तो नहीं हुई ना तेरी। मुझे पता था तेरे दिल में और तेरी जबान में बकवास ही निकलनी थी, मुझे पता था। मैं सच कह रही हूँ मासी, बार तू देख ले उसके अम्मा अब्बा आए हुए हैं, और इस बार खास मेहमान के तौर पे आए हैं, तू सोच इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब जरूर उसके रिश्ते की बात डाल रहे हैं, अब तू देखना वो कमी बेगम बनके हम लोगों पे राज करेंगी। नहीं अपनी जबान को लगाम दे, किसी ने सुन लिया तो काट कर फेंक देंगे, खुद तो मरेगी मुझे भी मरवाएगी। नहीं तेरे मेरे मर जाने से ना उसकी किस्मत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी तालीम का ना गलत फायदा उठा रही है वो, अब देखना वो बेगम सरकार बन जाएगी। मुबारक हो, आज से आप दोनों मियां बीवी हैं। आइए रागी साहिबा, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जितनी चाहत आप सिकंदर के लिए दिखा रही हैं, मुझे तो लगा कि एक पल गुजारना भी आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से आप देर कर रही हैं। आप कब तक छोड़ सकते हैं सिकंदर को? लगता है रागी साहिबा आपका कभी थाने कचहरी से वास्ता नहीं पड़ा, और ये किसी नेमत से कम नहीं। खैर, कुछ कानूनी कार्रवाइयां हैं और भुगता लें और ले जाएं सिकंदर को, हफ्ते भर की।
मुझे सिकंदर उससे पहले बाहर चाहिए। अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो कल तक बाहर निकाल देते हैं सिकंदर को। कल तक की नौबत ना आए, आज की रात इस हवालात में सिकंदर की आखिरी रात होनी चाहिए। ठीक है जी, अब तो हर काम आपकी मर्जी से ही होगा। हमारा क्या, हमारा तो काम ही यही आवाम की खिदमत करनी। तो अब बिल्कुल बेफिक्र, सिकंदर को निकालने की जिम्मेदारी मेरी। शर्त वही है, जब तक तू अपनी बेटी की जमानत नहीं देगा नहीं कर सकता। सरकार वो गुनाहगार सही, पर है तो मेरी बेटी। अगर उसकी जान आपको प्यारी है तो फिर मुझे क्यों नहीं होगी सरकार? मुझे सिर्फ उसकी जान नहीं प्यारी, मुझे तख्त सुल्तान की हर बेटी की जान प्यारी है। रियाया हो तुम लोग मेरे, बड़ा हूं तुम्हारा, मेरी पनाह में है वो, उसकी जान की जिम्मेदारी मेरी बनती है। और अगर उसे कुछ हुआ तो? उसे कुछ नहीं होगा सरकार, मैं वादा करता हूं। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी किस्म का जुल्म या जबरदस्ती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी सरकार। यार एक बात की समझ नहीं आ रही, जित्तू की लड़की कई दिनों से माड़ी में है, आखिर वजह क्या है? अल्लाह ही जाने वजह क्या है। सुना है कि जित्तू और उसके घर वाले बार बार माड़ी जाते हैं सुल्तान सरकार से मिलने, लेकिन खाली हाथ वापस आ जाते हैं। भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है सुल्तान सरकार का लड़की पे दिल आ गया है, वरना आज तक कोई सैद वाला से इतनी दफा माड़ी नहीं गया जितनी दफा दित्तू और उसके घर वाले गए। सुल्तान सरकार कहाँ, कहाँ दित्तू की लड़की, भला सुल्तान सरकार को दित्तू की लड़की ही मिलनी थी। सही। और कोई तमाशा हो जाए, दित्तू को चाहिए कि चुपचाप अपनी इज्जत वापस ले आए। अरे भाई किस दुनिया में रह रहे हो, जित्तू की लड़की जवान है, खूबसूरत है, सुल्तान सरकार की निगरानी में है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे सुल्तान सरकार उस लड़की को। क्या पता लड़की खुद ही ना आना चाहती हो। जिस तरह उस लड़की को ऐशो इशरत मिल रही है ना, कोई पागल ही होगा जो माड़ी की शान शौकत छोड़ के सैद वाला वापस जाए। ये बात, हाँ ये बात तो है, ये बात सोचने की है। चले काम वाम कर लें, फिर मुझे जाना भी है। सरकार वो बार ऐसे जो साहब हैं, किसी लड़की के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है बुला लो। सर सलाम।
السلام سلطان سکر. آئی ہے سلطان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تشریف رکھیں. شکریہ. میر منگ بتا رہے تھے کہ کسی لڑکی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ. جی سرکار، اصل میں اللہ دیتا اور اس کے ساتھی سکندر نامی ایک ملزم کو ہمارے پاس اقدام قتل کے الزام میں لائے ہیں. ہمیں حیرت ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس. بتائیے سرکار، تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کے ساتھ اللہ دیتا کی بیٹی بھاگی تھی، اور اس لڑکے نے تیش میں آ کے اللہ دیتا کے بیٹے کو گولی مار دی ہے. اب سارے گاؤں والوں کا اصرار ہے کہ اس لڑکے پر اقدام قتل، اغوا اور لڑکی کو حبس سے بیجا میں رکھنے کا مقدمہ درج کیا جائے. تو یہ مقدمہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچ چکا ہے سرکار؟ اس علاقے میں آج تک سارے فیصلے آپ نے کیے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی تخت سلطان کی کچہری میں ہی ہو. سچو صاحب کے ساتھ چلے گیا. دس جان نے راکھی کو پرکھلایا ہے. تو بہت شور مچا دی رہی، لیکن اس نے، اگر تم نے اس لڑکے کو گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو کبھی وہ باقی نہ ہوتی، اور نہ ہی گھر سے بھاگتی. سو گئی، رسیور بھی ساتھ لے گئی. کیا یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈر گئی تھی اکرم صاحب. اس کا ڈھونڈنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اسے واپس لانا ہوگا زرینا. اگر طبعی والوں کو پتا چل گیا نا، وہ نہ تجھے چھوڑیں گے اور نہ ہی مجھے. اور اس نمک حرام بڈھے کے ٹھکانے کا بھی پتا لگانا پڑے گا. لگاتا ہوں بندی میں اس کے پیچھے، اس سے بچ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ڈھونڈ نکالیں گے. ہاں ڈھونڈ نکالیں گے.